कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अब्दुल जलील जो सन 1995 से कांग्रेस पार्टी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल जलील जो हलके खैरताबाद जो पुराना हलका था और आज जो हलके जुबली हिल्स बना हुआ है लक्ष्मी नरसिम्हा नगर के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल जलील सन 1995 से कांग्रेस पार्टी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2000 में उन्हें यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। बाद में उनकी खिदमत उनकी काबिलियत को देखते हुए सिटी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का भी उन्हें अहदा दिया था। बाद में ग्रेटर हैदराबाद के वाइस प्रेसिडेंट और माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन का भी उन्हें अहदा दिया था। मोहम्मद अब्दुल जलील सन 1995 से ईमानदारी और वफादारी के साथ कांग्रेस पार्टी से काम कर रहे हैं। उनकी काबिलियत और उनकी ईमानदारी वफादारी को देखते हुए TPCC के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहिल ने आज गांधी भवन में उन्हें तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी स्टेट जनरल सेक्रेटरी का अहदा से नवाजा है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल जलील ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए खास करके कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड और TPCC के माइनॉरिटी सेल के स्टेट चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहिल का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है वो मुसलसल सन 1995 से कांग्रेस के लिए ईमानदारी और वफादारी से काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी वो ईमानदारी वफादारी से काम करेंगे। इसका सबूत उनकी काबिलियत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड उन्हें अहदों पे अहदे नवाज रहे हैं और उन्हें तरक्की दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है आने वाले बंदिया इंतखाबात में वो जमकर हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह आने वाले बंदिया इंतखाबात में कांग्रेस को फतेह कराएंगे ग्रेटर हैदराबाद से। और उन्होंने मुसलसल कई सालों से सन 1995 से कांग्रेस पार्टी के लिए कई एहतजाज आवाम के मसाइल के लिए कई बार एहतजाज किया है और कई बार एहतजाज करते हुए उनके ऊपर केसेस भी बुक हुए थे और वो आवाम की खिदमत करना और पार्टी के साथ खिदमत करना और ईमानदारी के साथ वफादारी से साथ काम करना ही उनका मकसद है, उन्होंने ये बताया है। इस प्रोग्राम में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टेट माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहिल और तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ कांग्रेस पार्टियों के कार्यकर्ता और कारकुन नजर आए हैं। TV11 की खास रिपोर्ट। మన గాంధీ నెహ్రూల జై కాంగ్రెస్, మన ఇందిరమ్మ నడిచింది, రాజీవ్ శ్వాస విడిచింది జై కాంగ్రెస్.